शट अप, ए सिखा देगी मेरे को नाइट में। तानिया जब पौधा नो करो थोड़ा देख लो। देखिए हाथ में फूल आ गया है और देखिए गजब गजब स्टाइल, गजब कमाल का स्टाइल है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं बाबा का गजब कमाल का स्टाइल है और बाबा कैसे देखिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और कहा जाए तो एक चमत्कारी बाबा हैं और ये जो है अघोरी बाबा हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा तरीका से तैयार कर रहे हैं बाबा, एकदम कहा जाए तो एकदम फिल्मी लुक में आ चुके हैं अभी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बाबा एकदम फिल्मी स्टाइल में आ चुके हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। किस हिसाब से आप लोग मतलब सोचे भी नहीं होंगे कि बाबा का भी एक ऐसा लुक हो। आपको बता दें अभी हम आ चुके हैं तेगला बाबा के पास और आप लोग सुने होंगे और जाने होंगे कि तेगला बाबा कहाँ गायब हो गए थे। अपने घर को छोड़ करके काफी सारा न्यूज चैनल में चला था कि तेगला बाबा का किडनैप हो गया है और ऐसा बहुत सारा न्यूज चला था। लेकिन आपको बता दें कि तेगला बाबा किडनैप नहीं हुए थे। तेगला बाबा से हमारी बातचीत हुई थी तो तेगला बाबा जो थे अभी उत्तर प्रदेश में थे और फिलहाल के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और तेगला बाबा का जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं, जो ये डिजाइनिंग देख पा रहे हैं, मतलब कहा जाए तो पहले जो था भगवा कलर का था और कहा जाए तो उस तरह एक अलग पहचान था। लेकिन अभी बाबा जो आए हैं एकदम हीरो स्टाइल में, एकदम फिल्मी स्टाइल में, चश्मा वश्मा लगा करके और देख रहे हैं कि एकदम काला चिट्टा ड्रेस पहने हुए हैं और रुद्राक्ष धारण किए हैं। और देखिए बाबा चश्मा पहने हुए हैं और बाबा बहुत दिनों के बाद अपने मतलब कहा जाए तो लगभग अपने घर पे आए हुए हैं। और बाबा कैसे देखिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और कहा जाए तो एक चमत्कारी बाबा हैं और ये जो है अघोरी बाबा हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा तरीका से तैयार कर रहे हैं और पानी डाल रहे हैं हाथों पे और इसे अपने मतलब कि कहा जाए तो इसे चंदन टीका करेंगे। और बाबा देखिए कितनी फिल्मी स्टाइल में एकदम कहा जाए तो एकदम हीरो बन चुके हैं बाबा। और बाबा एकदम देखिए अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं आपको हम लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और बाबा अभी जस्ट पहुंचे हुए हैं अपने घर पे, बाबा अपने घर पे अभी जस्ट पहुंचे हुए। देखिए अपने आप को किस प्रकार से बाबा जैसे पहले तैयार होते थे उसमें बहुत ही बदलाव आ गया है। बाबा अभी अलग तरीके से तैयार हो रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि बाबा एकदम कहा जाए तो फिल्मी स्टाइल में जा करके उत्तर प्रदेश में फिल्मी लाइन में काम करके गाना भी इनका आया है, वीडियो भी आया है। उसके बाद से कहा जाए तो बाबा एक फिल्मी दुनिया में कहा जाए तो एक माया की दुनिया, फिल्मी दुनिया जो कहा जाता है उसी में बाबा लीन हो चुके हैं। और अभी जो है बाबा अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कहा जाए तो बाबा जो पहले ऐसे थे अब वो ऐसा नहीं रह गए। बाबा अभी कहा जाए तो बहुत ही बदलाव आ गया है बाबा के अंदर। बाबा और काशी विश्वनाथ से भी घूम करके आएंगे, एक बार कैमरा में चाहेंगे, एक बार भगवान की तस्वीर दिखाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप कैमरा में देख पा रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का जो आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है फ्रेम में भरा हुआ। और बाबा देखिए अभी कितने बारीकी से अपने आप को तैयार कर रहे हैं और बाबा एकदम कहा जाए तो एकदम फिल्मी लुक में आ चुके हैं अभी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बाबा एकदम फिल्मी स्टाइल में आ चुके हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। किस हिसाब से आप लोग मतलब सोचे भी नहीं होंगे कि बाबा का भी एक ऐसा लुक हो सकता है। लेकिन आप सब जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग भी इस स्टाइल को नहीं देखे हैं बाबा को, तो तेगलवा बाबा को लोग दोगलवा कहता था, कुछ भी कहता था, लेकिन अभी तेगलवा बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध थे कहा जाए तो अपने आप को उसी फॉर्म में तैयार कर रहे हैं और एकदम कहा जाए तो वीआईपी बन चुके हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अपने आप को किस प्रकार से पहले जैसे तैयार कर रहे हैं और बाबा देखिए किस प्रकार से बारीकी से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कहा जाए तो बाबा भी एकदम कहा जाए तो अपना बाल वाल कटवा करके दाढ़ी मूछ बनवा करके एकदम फिनिशिंग कहा जाए तो एक हीरो का जो रोल होता है उसी हिसाब से बाबा अभी नजर आ रहे हैं। और बाबा जो है अभी डमरू बजा रहे हैं, देखिए कैसे डमरू बजा रहे हैं बाबा। और बाबा के देखिए ये जो त्रिशूल है, बाबा का त्रिशूल जो इनके हाथों में आ चुका है। और देखिए एक बार मतलब पहले जैसा जो बाबा रहते थे उसी हिसाब से पहले जैसा रहने का देखिए एक अलग स्टाइल। और बाबा का ये देखिए हाथ में त्रिशूल आ गया है और देखिए गजब गजब स्टाइल, गजब कमाल का स्टाइल है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं बाबा का गजब कमाल का स्टाइल है, ये देखिए कमाल का स्टाइल है बाबा का और पहले जैसा कुछ नहीं रहा। और बाबा पूरा बदलाव कर चुके हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बाबा पूरा बदल चुके हैं। पानी डालक पड़ी क्या बाबा? जैसे कि बाबा देख आप लोग देख पा रहे हैं कि बाबा का जो शंख है और बजने वाला है, क्योंकि बहुत ही पुराना शंख हो चुका है, बहुत दिन से रखा हुआ था, इसके बीच में कहा जाए तो बजाया कभी नहीं गया था, जिसकी वजह से अभी शंख बाजने में थोड़ा सा तकलीफ कर रहा है। और बाबा क्या है कि जिस उसको अपने हर तरीके से बजाने का प्रयास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाबा इसको बजाने में लगे हुए हैं और बहुत ही जल्द बजेगा। और बाबा पहले जैसे फॉर्म में, जो हीरो जैसा फॉर्म में अभी दिख रहे हैं,
उसी हीरो के अंदाज में आपको अभी दिख रहे होंगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ज्यादा से ज्यादा महाकाल का सॉन्ग बजता है नाइट में 12 बजे। ये रात को 12 बजे बजता है, दिन में नहीं बजता है? दिन में बजता है ये वाला। कौन सा दिन में बजता है? देखो पहले हम तेगला बाबा इस शोक रखते थे, ये दिन में बजता है, और काशी विश्वनाथ गया तो ये प्रसाद मिला, इसलिए महाकाल का ये बजता है नाइट में, इसलिए बज नहीं रहा। मैंने आप सबको दिखाने के लिए हमने ये उसको देखिए, और ये दिन वाला है। अलख निरंजन गुरु गोरखनाथ महाकाल कालो काल महाकाल चलवा। इसमें जल नहीं था, हम यहाँ नहीं था, एक महीने से इसमें कोई जल नहीं दिया है, जैसा का तैसा पड़ा है। ये जल का चीज है, जल का चीज है। हाँ, ऐसे छोड़ देगा खराब हो जाएगा? हाँ, सागर में रहता है, अगर पूजा ना हो तो ये बजने में थोड़ा सुरांग बंद हो जाता है। अच्छा, इसलिए मैं हम एक महीना के लिए गाजीपुर निकला था। गाजीपुर गए थे? हाँ, ये मीडिया वाले जो भी अभी कैच करते हैं इस चैनल को, हम बताते अपनी सच्चाई। ये तेगालवा बाबा को ढूंढ रहे थे बिहार के लोग, कैसे क्या हुआ हम सब आपको बताएंगे। अभी इस वक्त गाजीपुर से